नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। ये खबरें और समाचार जानना आपके लिए जरूरी है, तो आप भी साथ में बने रहिए जिससे कि कोई भी बड़ी खबर आप लोगों से छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप सभी तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उसके अनुसार आप सभी को बताते चलें, पोस्टल बैलेट से पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई। जी हाँ, पोस्टल बैलेट के वोट पड़ गए हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों ने अपने यहाँ पे वोट डाल दिए हैं। और जो सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है उसके अनुसार खबर है कि 80% सरकारी कर्मचारियों ने इंडिया को किया है वोट। जी हाँ, ये दोस्तों सूत्रों ने जानकारी दी है, जिसके अनुसार 80% सरकारी कर्मचारियों ने इंडिया गठबंधन पे अपना भरोसा जताया है। ये सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। धर्म के नाम पर और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगना अब नेताओं को पड़ सकता है महंगा। जी हाँ, पूरा मामला क्या है आप सभी को बताते चलें। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कथित तौर पे भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लाइव लॉ के मुताबिक यह याचिका आनंद एस ढोंढले नाम के एक वकील ने दायर की है, जिन्होंने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की है। पहला ऐसा मामला नहीं है, आप सभी को बताते चलें, बीजेपी उम्मीदवार भी लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान राम के नाम पे राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि असल मुद्दे तो महंगाई बेरोजगारी आदि है, जो कि अब यहाँ पे देश के युवा भी कह रहे हैं इन्हीं मुद्दों को यहाँ पे ध्यान में रखकर वह भी इस बार मतदान करेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जल्द ही सुनवाई होगी, उसकी जो तारीख आएगी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पे जोरदार हमला, बीजेपी और आरएसएस संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वे अन्य सभी विचारों को कुचल सकें। ये बात कही है राहुल गांधी ने। आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस दोनों ही संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वे राष्ट्र के बारे में अन्य जो सभी विचार हैं विचारधारा हैं उन्हें कुचल सके और सिर्फ इनकी ही विचारधारा रहे। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वायनाड के सांसद ने पूछा कि केरल को नागपुर से क्यों शासित किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा, दिल्ली को कैसे पता है कि केरल में एक स्कूल कैसा होना चाहिए और दिल्ली को कैसे पता है कि राज्य के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पे हमलावर हैं और हर बार एक नया मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो कि राहुल गांधी की लोकप्रियता एक नए स्तर पे ले जा रहा है। देख सकते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में पहले से कई ज्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ कर्नाटक से आ रही है बड़ी अपडेट, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की हुई फजीहत, मंच छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा से लोग सवाल पूछ रहे हैं। निराश हताश तेजस्वी सूर्या को मंच छोड़कर वहां से जाना पड़ा। लोग सवाल वही उठा रहे हैं, रोजगार, महंगाई आदि का मुद्दा। इस पर बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसीलिए मंच छोड़ के भागना ही वह उचित समझते हैं। आप सभी को बताते चलें, तेजस्वी सूर्या भाजपा जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय की एक ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने यानी उड़न दस्ते ने तमिलनाडु के नीलगिरी में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो उसकी यहाँ पे जांच की, एक तरीके से पूरा हेलीकॉप्टर चेक किया कि आखिर राहुल गांधी क्या अपने साथ लेकर आए हैं क्या नहीं, उनके हेलीकॉप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। इस पर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच से हमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन आप सबके हेलीकॉप्टर की जांच कीजिए। बताते चलें, इससे पहले जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की ओडिशा में जांच की गई थी तो उस अधिकारी का तबादला ही कर दिया गया था। बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच नहीं होती है, विपक्षी नेताओं के ही हेलीकॉप्टर की जांच क्यों होती है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी चेक करे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जिसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है, सांच को आंच नहीं, आप चाहे कितनी भी जांच कर लीजिए। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दोस्तों, अगर आप भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportRahul। उसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पे भी चुनाव आयोग की टीम ने और आईटी विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की, इनके भी हेलीकॉप्टर की जांच की। तो वहीं अब ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पे लगाया बड़ा आरोप, बीजेपी के लिए कार्य करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी का पक्ष लेने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की और चेतावनी दी कि यदि राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वह आयोग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर देंगी। अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर, बीजेपी के इशारे पर मुर्शिदाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि DIG को हटाने का आरोप लगाया है। देख सकते हैं किस प्रकार से विपक्षी नेताओं को लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरवाया जा रहा है और यहाँ पे छापेमारी देखने को मिल रही है। सिर्फ यहाँ पे विपक्षी नेता ही निशाने पर हैं, उड़न दस्ते सिर्फ उनके ही हेलीकॉप्टर को चेक करते हैं, इस प्रकार का आरोप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया इससे पहले की खबर में आप सभी ने जाना। और अब वही दोस्तों बात सीएम ममता बनर्जी ने भी दोहराई है। अगली अपडेट जो सामने निकल के आ रही है उसमें बताते चले, अखिलेश यादव ने बताया क्यों 400 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। जी हाँ, आप सभी को बताते चले, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो या फिर मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, वह भी कह चुके हैं 400 पार संविधान आरक्षण के लिए जरूरी है, बदलने में यहाँ पे संशोधन करना है। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान भी आ गया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि वे संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में पार्टी उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी CBI और IT द्वारा छापेमारी करवाती है और छोड़ने के लिए धन उगाही करती है, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में देखने को मिला। सपा प्रमुख ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसीलिए आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। ये बयान पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सामने निकल के आया। चुनाव आयोग ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग से जुड़ी आज की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन नकदी जब्त की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जब्ती की गई है। 1 मार्च से हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए जब्त किए हैं चुनाव आयोग ने अलग अलग जगह से। देश भर में यहाँ पे चुनाव आयोग के अलग अलग उड़न दस्ते यहाँ पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये आंकड़ा सामने निकल के आया है, चुनाव आयोग ने जानकारी साझा की है। आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।